हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनीष यादव मेरे इस चैनल एवरीडे फोकस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक नई नोटिफिकेशन के साथ आप लोग के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की एक नई नोटिफिकेशन के साथ मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह 6 पेज की नोटिफिकेशन है और दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जो बच्चे फॉर्म को भरे थे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की, वे लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखिए। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ दोस्तों, शुरू से लेके आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका नहीं हुआ है उनका। दोस्तों 19 जनवरी को बुलाया गया है, वो लोग जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख सकते हैं। मैंने वीडियो भी बना दिया, आप लोग जानते भी होंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 की जो बात करते हैं, तो नंबर 2 दोस्तों जो लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, फाइनल लिस्ट जो आएगी दोस्तों, वह फाइनल लिस्ट दोस्तों इस नोटिफिकेशन में बताई गई है 21 जनवरी को आएगी। तो बिल्कुल दोस्तों अभी बताऊंगा। और दोस्तों 21 जनवरी के बाद दोस्तों 23, 24 और 25 फरवरी को दोस्तों मेडिकल फॉर्म को लेकर जाना है, ठीक है ना। मेडिकल फॉर्म को वेरीफाई करके लेकर जाना है और एक स्क्रूटनी बॉन्ड फॉर्म है उसको भी लेकर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। दोस्तों इसी वीडियो मैं यही सब बात करूंगा, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि मैं नई नोटिफिकेशन के साथ वीडियो बनाता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं बनाता। और दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं नंबर 1 कि जिन बच्चों का छूट गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 से लेकर 13 जनवरी के बीच में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 से 13 जनवरी के बीच तक का जिनका छूट गया था वे, ठीक है ना, 19 जनवरी 2019 को बुलाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों जिनका 21 जनवरी को, ठीक है ना, 21 जनवरी को लिस्ट में नाम आएगा। 21 जनवरी को दोस्तों लिस्ट जारी कर दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे उनकी लिस्ट 21 जनवरी को जारी कर दी जाएगी, बिल्कुल ऑफिशियल, और मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 2 में निकला है उच्च तिथियों को उपस्थित अनुपस्थितियों के द्वारा समर्पित कागजात प्रमाण पत्र के सत्यापन के आधार पर मात्र योग्य अभ्यर्थी को, ठीक है ना, योग्य अभ्यर्थी को योगदान समर्पित करने हेतु दिनांक 21 जनवरी 2019 से 25 जनवरी 2019 तक निम्न कार्यक्रम के अनुसार बुलाया जाता है। DAV पब्लिक स्कूल में दोस्तों 23 जनवरी को 10 बजे आप लोगों को बुलाया गया है, UR वालों के लिए 1 से लेकर 700 क्रमांक नंबर वालों के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 2, BSPHCL कॉलोनी एड्रेस है 24 जनवरी को 10 बजे, UR 701 से लेकर 1025 और SC कैटेगरी के लिए 1 से लेकर 328 और ST कैटेगरी के लिए 121, आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। अब तीसरा बात करते हैं दोस्तों, न्यू पुनाईचक पटना 8000023 पिन कोड है और ये एड्रेस है दोस्तों 25 जनवरी 10 बजे पहुंचना है आप लोगों को, ठीक है ना। और EBC वालों के लिए 1 से लेकर 369 क्रमांक तक के बीच के लिए, और BC 1 से लेकर 246 के बीच, BC यानी फीमेल 1 से लेकर 61 के बीच के जो क्रमांक हैं उनको दोस्तों 25 जनवरी को 10 बजे न्यू पुनाईचक पटना 8000023 में पहुंचना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों नीचे तीसरा नंबर देख सकते हैं, योग्य अभ्यर्थियों की जो सूची है वह दिनांक 21 जनवरी 2019 को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, यानी मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो 21 से 1 2019 को आपकी सूची आवंटित कर दी जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके साथ आप सब लोगों को क्या क्या लेकर जाना है, तो उसमें आप सब लोगों के लिए दोस्तों एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है दोस्तों, है ना, एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दोस्तों लेके जाना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करके दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए या तो किसी इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। इस फॉर्म को भर के दोस्तों सही से कोई MBBS, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर MBBS का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा नॉट बिलो द रैंक असिस्टेंट सिविल सर्जन, तो कोई MBBS से यहाँ पे सिग्नेचर करा लेना और बहुत जल्दी हो जाएगा, एक दिन का काम है,
थोड़ा पैसे लगेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्म को भर के अपना सिग्नेचर कैंडिडेट का होना चाहिए इस फॉर्म में अंदर, तो आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एक दिन में तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों स्क्रूटनी बॉन्ड का, तो स्क्रूटनी बॉन्ड का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अपना पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ ये सब अपना भर के, इस अपना भर के फॉर्म को लेकर जरूर जाइए, ठीक है ना। ये दो चीज़ तो आपको जरूर लेके जाना है दोस्तों, जिनका 23, 24 और 25 को है तो ये स्क्रूटनी बॉन्ड को जरूर लेकर जाएं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना, इस फॉर्म को डाउनलोड करके भर के अच्छी तरह से लेके जाएं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। दोस्तों को इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिए, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि 100 रुपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, या आप लोगों को 100 रुपये का स्टाम्प पेपर बनाकर 50,000 रुपये का बंध पत्र बॉन्ड पेपर, जिसमें यह अंकित होगा कि अभ्यर्थी 2 साल की परीक्षा अवधि पूरी करने से पूर्व यदि कंपनी की सेवा छोड़ते हैं तो वे कंपनी को 50,000 रुपया भुगतान करेंगे। तो दोस्तों आप लोग स्टाम्प पेपर 100 रुपये का लेकर उसमें आप लोगों को भरना पड़ेगा एक बॉन्ड पेपर। अगर आप लोग दोस्तों नौकरी पा जाते हैं और नौकरी शुरू करने से 2 साल के अंदर अगर आप कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, अगर आपकी कहीं सरकारी जॉब लग जाती है, आप उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, तो आपको पहले 50,000 रुपया हरजाना भरना पड़ेगा, ठीक है ना। आप साफ देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा है, कोई मैं फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो लिखा गया वही मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये कंपनी की नोटिफिकेशन है, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए, मैं एक बार सही से दिखा देता हूँ, आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, नहीं तो कहेंगे फेक वीडियो बनाता है ना दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन मैं बिल्कुल ऑफिशियल के साथ बताता हूँ, कोई फेक नहीं बताता। अब व्यूज पाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं वीडियो बनाता। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों कोई अगर परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं वीडियो एक अलग सा बना दूंगा। अभी दोस्तों 17 जनवरी है, तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।